आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में विकास जी और मणिशंकर जी और चंदन जी आए हुए हैं, और आप लोगों के साथ हम आज कंडक्ट करने जा रहे हैं चार्ट एंड डायनेमिक चार्ट का फॉर्मूला। बट उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास सिटी है, सिटी का एरिया है, तो उसका लिस्ट कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल सिटी है, और सिटी में मैंने यहाँ पे पुणे, दिल्ली, कानपुर, नोएडा, अच्छे नोएडा, म्यूट कर ले प्लीज, और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने ज्यादा ही रिपीट किया। अच्छा कभी करता हूँ मैं। ये हमारा एरिया है, सेक्टर वन, सेक्टर टू, इस तरह का। अब मैं यहाँ पे सिटी डालना चाहता हूँ और यहाँ पे एरिया। तो सिटी के लिए मैंने इसको कॉपी किया और किसी और जगह पे रख दिया, और मैंने इसको क्या किया, डेटा वैलिडेशन में गया, और मैंने इस डेटा वैलिडेशन में नहीं, डेटा टाइप में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। हम यहाँ रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सारे सिटी में जो डुप्लीकेट्स थे वो हट गए, और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक आ गया। तो यहाँ पे मैं डेटा, सिंपल डेटा वैलिडेशन जो हम लगाते हैं वो लगाएंगे लिस्ट में जाके, और हम अपने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बट एरिया मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आए, कि मैंने पुणे सिलेक्ट कर लिया, तो इस सीट में जहां जहां भी पुणे का एरिया है वो पुणे का एरिया आना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा, तो हम इसको इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं शॉर्टिंग करूंगा, शॉर्ट करना जरूरी है, ना शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट करते समय मैंने अब यहाँ पे माई डेटा हैज ए हेडर सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे सिटी और एरिया आएगा सिटी के अकॉर्डिंग, और फिर हम यहाँ पे एरिया देते हैं एरिया के अकॉर्डिंग, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसका करने का पर्पस ये है कि हमारा दिल्ली जो है ना वो एक जगह पे आए, कानपुर एक जगह पे, जो भी सिटी है एक जगह है, अलग अलग ना है, सॉर्टिंग करने का पर्पस यही था हमारा। बट कैसे होगा, इसमें कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे पुणे है ना हमारा, मान लीजिए यहीं पे करता हूँ मैं, यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूला काउंट इफ का, काउंट इफ, और हमने यहां से सबसे पहले काउंट करते हैं कि इसमें दिल्ली है कितना बार। तो काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है, अरे जी आप, मेरी आवाज आ रही है आपको सर, जी सर आ रही है। बता सर का अभी क्लास मैंने क्या मिस किया, क्लास अभी स्टार्ट हुआ अच्छा या? स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ कि हमने काउंट इफ का फॉर्मा लगाया। देखिए अरिजीत जी क्या है कि काउंट इफ क्या करता है, मुझे बताता है कि ये
पर्टिकुलर सेल वैल्यू इसमें कितना बार रिपीटेड है, ठीक है। हम करने क्या जा रहे हैं पता है अरे जी? जी सर, आप मैं क्या कर रहा हूँ ना, डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स बना रहा हूँ। जैसे वेबसाइट पे होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मान लीजिए दिल्ली सिलेक्ट किया, ठीक है ना, तो ये बताएगा कि भाई दिल्ली इसमें कितना बार, दिल्ली का जो दूसरे में बताएगा कि दिल्ली के कौन कौन से एरिया है। कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो बगल में सिटी के स्टेट का लिस्ट आ जाता है, स्टेट सिलेक्ट करते हैं सिटी का लिस्ट आता है। उसी तरह से मेरे पास यहाँ सिटी का लिस्ट है और सिटी का एरिया का लिस्ट है, जो कि मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इसको लाए कैसे। तो हमारे पास एक ऑफसेट का फॉर्मूला होता है। हालांकि ऑफसेट क्या करता है समझ लीजिए, ऑफसेट करता यह है कि आप कोई कोई अगर आप दे दीजिए एरिया और उसमें से बोल दीजिए एक नंबर रो एक नंबर कॉलम, तो उसका वैल्यू दिखा देगा आपको जीरो कॉलम। देखिए इसे यहाँ पे गया जीरो कॉलन एक नंबर रो, इसकी वैल्यू शो कर दिया। एक्चुअली वैल्यू शो नहीं करता है ये, इसका रेफरेंस शो करता है। अगर मैं इसको सम में लेता हूँ, सम फॉर्मूले में, तो इसका रेफरेंस शो करता है आपके सामने। देखिए फॉर्मूला एवलेट कीजिएगा तो पता चलेगा B2, ठीक है ना। और B2 मिलता है तो सिंगल सेल मिलता है तो सम उसका सम निकाल देता है। अब बात आती है इसमें कि तो फिर हमारा ऑफसेट किस काम का है। जैसे मैंने ऑफसेट में बोला कि यहां से चलो मैं इसे मैच, एक मैच फॉर्मूला भी मान निकाल लूंगा, माफ कीजिएगा। हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाते हैं मैच का। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है, किसी सेल वैल्यू को किसी कॉलम में सर्च करता है। हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले सीख रहे हैं। पहला सीखा मैंने काउंट इफ, किसी कॉलम के अंदर काउंट किसी पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट कैसे किया जाए। अब मैच फॉर्मूला सीख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे मैच किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने जीरो दे दिया, तो ये बता देगा, इसका बताएगा रो नंबर कि हमारा दूसरे नंबर रो से है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ पुणे, तो ये आपको बताएगा कि दिल्ली के बाद जो आपका कानपुर है या पुणे है कितने नंबर पे है, कितने नंबर रो पे है। अच्छा, ये रो नंबर बता रहा है सर। मैच एक मिनट, H2 पुणे, पुणे का ही 32 दिखा रहा, पुणे का ही 32 दिखा रहा है, दिल्ली का अच्छा काउंट बता रहा है, माफ कीजिए काउंट सब एक ही है। तो ये दिखा दिया, मैं दिल्ली से शुरू करता हूं। अब मैंने यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। ऑफसेट में मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग पोजीशन ए है, इससे इतना नंबर रो एक माइनस करना पड़ता है, क्योंकि रो जो है ए जो है ऑफसेट जीरो से काउंट करता है, इसलिए एक माइनस करना पड़ता है कॉमा। अब यहाँ आता है कॉलम नंबर, कॉलम हमारा जीरो है। अब देखिए हाइट और विड्थ है, तो हाइट में मैंने 32 ले लिया और विड्थ मैंने जीरो ले लिया। विड्थ जीरो नहीं होगा, माफ कीजिएगा वन होगा। फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, तो इसने इसने क्या किया, अगर इस फॉर्मूले को मैं काउंट के अंदर लू, काउंट फॉर्मूला के अंदर लेता हूं, काउंट फॉर्मूला के अंदर, और इसके अंदर मैं इसको एवलेट करता हूं, तो 32 हुआ। इसने B2 से लेके B33 का रेंज दे दिया, दिखा आपको यहां पे। तो ऑफसेट क्या करता है, जो रो नंबर कॉलम नंबर आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या बना देता है, उसके अकॉर्डिंग वो ये बना देता है, रेंज बना देता है, ठीक है। रेंज बन गया, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, लेकिन मतलब कि इसको ऐसे डायरेक्टली तो हम यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को पहले मर्ज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैच को उठाते हैं, कॉपी,
और हम मर्ज करते हैं किसमें, ऑफसेट में एस थ्री, ओके। और फिर काउंट इफ को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, और यहां जहां पे आपका ये था हाइट था उस पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम सिर्फ ऑफसेट फॉर्मूला को यहां से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहां पे कर्सर रखेंगे, और हमारे पास जो डिफाइन नेम है, एक एरिया को नाम देता है, उस डिफाइन नेम में हम जाएंगे। डिफाइन नेम में गए और यहां पे मैंने दे दिया एरिया नाम, और यहां पे जो हमने काउंटिंग का फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला पेश कर देता। लेकिन फॉर्मूला पेश करने के बाद एक चीज ध्यान रहे कि जहां जहां आपने रेफरेंस यूज किए हैं उसको आप फ्रीज कर दें F4 से, नहीं फ्रीज करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए फ्रीज जरूरी है। F4 और यहां पे भी F4 एंड ओके। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, इस सब फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूं, और यहां पे डेटा वैलिडेशन में जाता हूं। डेटा वैलिडेशन लिस्ट में इक्वल एरिया दे देता हूं, दिल्ली के सेक्टर आ गए। अब मैं इसके जगह पे पुणे करता हूं, यहां पे पुणे का सेक्टर आ गया, समझ में आया जी सर। डाउट सर? नहीं सर, एक बात बताइए, जब दो या तीन फॉर्मूले मर्ज करते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, जैसे कि काउंटिफ और आपने भी मैच और ऑफसेट यूज करा तो नहीं, प्रायोरिटी उसको नहीं होता, जहां पे रेफरेंस है, जहां पे जरूरत वहां पे हमने दिया, प्रायोरिटी क्या देखना है इसमें? नहीं जैसे देखिए, आपने स्टार्ट किया, अगर आप हमारा हमें देखिए क्या है, यहाँ देखे था तो आपको ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा, ऐसा डेटा रिलेशन लेना पड़ेगा, डिफाइन नेम में जाना था। देखिए यहाँ पे बात क्या है कि हमारा फाइनल रिजल्ट ऑफसेट से आने वाला है, ठीक है, और ऑफसेट में क्या चाहिए, रो नंबर, रो नंबर मुझे नहीं पता है तो मैच मुझे देगा, इसलिए मैंने जहां रो नंबर की जरूरत है वहां पे मैच लगा दिया, और हाइट चाहिए, हाइट हमें नहीं पता, हाइट काउंट देगा, काउंट इफ देगा, तो जहां पे हाइट की जरूरत है वहां काउंट इफ लगा दिया, तो ऐसे मर्ज होता है। अच्छा, समझ गया ना, पहला मेन फॉर्मूला होता है जिससे फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, पहला इनपुट चाहिए, अगर इनपुट आपका डिफाइन फिक्स है तो डालो, फिक्स नहीं है कहीं से कैलकुलेट होना है, जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा वो फॉर्मूला उसके उस जगह पे डाल दो। अच्छा, जैसे ऑफसेट हमारा फाइनल है और हमें इनपुट क्या चाहिए, हमारा ए, यहाँ देखिए फिक्स इनपुट था B1 डाल दिया हमने, हमारा इनपुट जो है, अब दूसरा इनपुट हमारा क्या बोलते हैं, रो नंबर पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके लिए मैच लगा लिया उसके जगह पे, ठीक है। डाउट सर? नहीं सर, नहीं, ठीक है, जिससे फाइनल रिजल्ट आएगा वही फॉर्मूला जो होगा वो पहले फिर उसी से, ओके ठीक है। आगे बढ़े? जी सर, जी, ओके। तो आज की बेसिकली ये तो हमारा टास्क था जो मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था, इसलिए मैंने बता दिया, बेसिकली आज ये टॉपिक हमारा नहीं है, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं चार्ट्स के बारे में, ठीक है।
पिवट टेबल करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक जो आता है वो चार्ट्स आता है, और चार्ट्स डायनेमिक चार्ट्स और चार्ट दोनों इकट्ठे कराऊंगा, इसलिए मैंने दोनों बैच को साथ किया हूँ कि आपको भी चार्ट की जरूरत है और इनको भी डायनेमिक चार्ट की जरूरत है, दोनों चार्ट में इकट्ठे कराऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले चार्ट्स, चार्ट्स का क्या इस्तेमाल है इसके बारे में हम एक बार आपसे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली चार्ट जो होता है वो एक कहते ग्राफिकली ओवर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मंथ दिया, मैं यहाँ पे मंथ देता हूं, मंथ और यहाँ पे सेल्स, सेल्स सॉरी मंथ का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे मैं जैन फैब डाल देता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ सेल्स डाल देते हैं, मणिशंकर जी कहाँ चले गए थे सर? सर नेटवर्क नहीं, नेटवर्क आउट हो गया था। ओके, अब देखिए ये आपके पास माली सेल्स का फिगर है, छोटा फिगर है, आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा सेल किया है और कौन सा महीना सबसे कम सेल किया है। क्या इजिली कंपेयर है? क्या बोल रहे हैं सर? लेकिन मान लीजिए यही फिगर करोड़ों अरबों में हो जाए तब क्या होगा? वो बताना मुश्किल है ना कि कौन सा महीना सबसे ज्यादा है, सेकेंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, क्या दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर इसी फिगर को अगर हम कंपेयर करने करना है हमें, और हम इसको चार्ट, कोई भी चार्ट, एनी चार्ट दे देते हैं, तो हम इजिली बोलते हैं कि मई महीना सबसे इजिली पता चल गया ना, मई महीना में सबसे ज्यादा सेल है। क्या बोल रहे हैं सर? तो चार्ट ग्राफ और चार्ट आज से यूज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। पहले के रूरल थे, राजा थे, उनको तो गणित की उतनी नॉलेज थी नहीं, वो तो लड़ना जानते थे या राजनीति जानते थे, तो उनके जो स्टैटिक्स होते थे, मतलब कि जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं जो खजांची, तो उनको बताएंगे कि भाई आज इस साल आपका जो है 10,20,546 रुपए का लगान वसूली हुआ है, आपके सेना पे इतना इतना करोड़ इतना रुपया खर्च हुआ है, तो वो तो कंपेयर नहीं कर पाएगा ना कि भाई पिछले पिछले साल कितना हुआ था, तो ऐसे फिगर में उसको बताएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो उनको इस तरह के लाइन में दिखाया जाता है कि सर जो ऊंची लाइन है ये हमारा इनकम है, जो छोटी लाइन है वो हमारा खर्च है, सेना पे पिछले साल इतना खर्च था, इस साल इतना खर्च हुआ है, वगैरह वगैरह। तो वो तो किंग जो भी किंग होते थे उनको इजिली समझ में आता था। तो चार्ट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इजिली क्विक बिना दिमाग पे जोर डाले हम इसको लुकअप कर सके। ठीक है सर? जी सर, क्लियर है? चार्ट का यूज समझ में आ गया? जी सर। देखिए क्या होता है, ये चीज बताने के पर्पस क्या है, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग सीख रहे हैं, तो हर डिटेल आपको पता होना चाहिए, समझ गए? ताकि अगर आपको कुछ करना हुआ तो आपको पता है कि कहां पे हमारी क्या जरूरत पड़ सकती है, समझ गए ना? अब इस तरह के फिगर को शो करने के लिए आपको चार्ट देना लाजमी हो जाएगा, तो आप बोले ये चार्ट ना जरूरी है भाई, इससे कोई कंपेयर नहीं हो सकता, इसलिए
हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमारे पास कई कैटेगरी के चार्ट हैं, लेकिन इतना बात जान लीजिए चाहे जितनी कैटेगरी है सबका एक ही यूज है, कंपेयर करना। बिटवीन टू एंड मोर लेजेंड के अंदर में हम कंपेयर करना ही मेन हमारा चार्ट का भूमिका है। समझ गए? फिर भी हम देख लेते हैं कितने तरह के चार्ट हैं। सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है रिकमेंडेड चार्ट। ठीक है, क्या है? रिकमेंडेड चार्ट। अब ये क्या करता है? तो बेसिकली अब अगर आपको चार्ट लगाने नहीं आता है, आइडिया नहीं है, तो आप डेटा को सिलेक्ट करें और इस पे क्लिक कर, वो आपके डेटा को एनालाइज करेगा और जितना हो सके उतना चार्ट ये दिखाएगा कि आपके डेटा पे इतने तरह के चार्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब जो चार्ट आपके लिए सुटेबल है, आपको लगता है कि हाँ इस तरह का चार्ट ठीक है, उस चार्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर। समझे? तो रिकमेंडेड चार्ट जस्ट लाइक रिकमेंडेड पिवट टेबल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कई कैटेगरी के चार्ट, जैसे कि कॉलम कैटेगरी के चार्ट को देख लीजिए। जो हमारा कॉलम कैटेगरी का चार्ट है उसको ऊपर देख लीजिए। हेलो, बोलिए। तो हमारे जो कॉलम कैटेगरी में चार्ट है, ये आपका कर्सर कॉलम है, ये आपका 3D है, ये आपका बार चार्ट है, ये आपका 3D बार चार्ट है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका सिंगल हो जाता है, ये आपका स्टैक होता है। स्टैक में तो कि दो लाइन को एक साथ मर्ज कर देता है, ये आपका 100% होता है। ये सब चीज के बारे में बताऊंगा। तो जनरली हम इसी का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास निगेटिव में निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होता है तो हम प्रेफर करते हैं कौन सा? बार चार्ट। हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है और फ्लो में होता है, जैसे डेट वाइज आपको किसी का फ्लो चार्ट सेल मिला हुआ है तो डेट वाइज वगैरह है, तो वहां पे हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइन में दो है, विदाउट डॉट्स और विद डॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपेयरिंग निकालना होता है कि कंपेयर करना है आपको कि कितना परसेंट रह गया है, कितना परसेंट है कंट्रीब्यूशन टाइम। तो आपको पाई चार्ट आपके लिए सही है, पाई चार्ट में 3D है और पाई चार्ट है आपका। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ट्री मैप चार्ट होता है, मतलब कि आपको एरिया देखना है कि किसका कितना एरिया, एरिया के हिसाब से देखना है। जैसे लैंड वगैरह होता है ना कि भाई इनका जमीन है, इनका जमीन है, जिसका ज्यादा बड़ा प्लॉट है बड़ा है, जिसका छोटा है, तो उस तरह से दिखाएगा। और उसके बाद इसमें एक और आता है हमारे पास, इसके बोलते हैं स्टैटिक चार्ट। तो ये आपका ये होता है आपका कि ये दो ही हो जाएगा, ये आपका पेट्रो चार्ट कहलाता है। तो ये आपका जो फ्लो दिख रहा है, फ्लो दिखाता है कि कैसे उठा और कैसे गिरा, गिर के कैसे उठा, उठ के कैसे गिरा, पेट्रो चार्ट इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका स्टैक चार्ट होता है 100%, और ये आपका वाटरफॉल चार्ट कहलाता है। स्टॉक चार्ट है, रेडार चार्ट है, तो अलग अलग टाइप के चार्ट है, लेकिन मोस्टली यूज होने वाले चार्ट क्या है, ये दो चार्ट को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली हम यूज करते हैं 3 चार्ट, लेकिन बाकी चीजें बना सकते हैं। तो आर्टिकल स्टैटिकल्स है, आर्टिकल्स है, आप जितना जल्दी जैसे करो वैसे आपके लिए सुधर सुविधा है। तो चार्ट के टाइप तो हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं चार्ट के फॉर्मेटिंग। देखिए चार्ट डिपेंड करता है आपके फॉर्मेटिंग के ऊपर, जो फॉर्मेटिंग जैसा जिसका फॉर्मेटिंग जैसा होगा उस पे आपका चार्ट उतना अच्छा दिखेगा। तो चार्ट फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो फॉर्मेट पे। तो ऑटो फॉर्मेट में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आता है डिजाइन। डिजाइन में आपके पास होता है चार्ट के स्टाइल्स। तो बने बनाए आपके चार्ट के स्टाइल होते हैं, अगर इसमें से कोई आपको अच्छा लगता है आप इसमें से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये चार्ट का स्टाइल हुआ। दूसरा होता है चार्ट का लेआउट, मतलब कि अभी जो चार्ट दिख रहा है वो लेआउट जो है आपका अलग अलग लेआउट होता है। इस लेआउट में चाहिए लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3, लेआउट 4, ये डेटा लेआउट चाहिए,
देखिए नीचे इसका डेटा भी दिख रहा है, तो जिस लेआउट में जाइए यू कैन सिलेक्ट इट एंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कलर, कलर कौन सा चाहिए, कौन कौन से कलर होने चाहिए, ये जो देख रहे हैं कि भाई बोले सर ये तो एक ही कलर है, तो इसमें से कि आपको क्या है कि फिलहाल तो एक ही है हमारे पास, अगर मान लीजिए पांच होगा तो पहले एक कलर देगा, दूसरे को एक कलर देगा, तीसरे को एक कलर देगा, चौथे को देगा, पांचवें को देगा, तो वही उस सिक्वेंस है, उसमें जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेबल उसके बाद हम बात करते हैं इसमें फॉर्मेट में, जैसे कि सेल्स है या इसकी लिखावट है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी अलग स्टाइलिश, मतलब टाइटल जो है स्टाइलिश आना चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके आप स्टाइलिश फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो इसके लिए होता है, तो ये तो होगी ऑटो फॉर्मेट की बात, ऑटोमेटिकली जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल आपको हमने बता दिया। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात करें कि अगर खुद से फॉर्मेटिंग करना हो अपने हिसाब से तो कैसे करेंगे, तो खुद की फॉर्मेटिंग जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो उसके लिए पहले आपको समझना होगा चार्ट के आर्किटेक्चर को। तो चार्ट में बेसिकली तीन मेन पार्ट होते हैं, पहला जिसको बोलते हैं चार्ट एरिया, ठीक है, चार्ट एरिया इसको बोला जाता है, चार्ट एरिया। इसकी भी अलग फॉर्मेटिंग है, आप राइट क्लिक करके आप यहां पे फॉर्मेट चार्ट एरिया करेंगे तो यहां पे आपके कलर आ जाएंगे, जैसे सॉलिड कलर कई सारे हैं, जैसे कोई कलर नहीं करना है, नो फिल, सॉलिड कलर करना है, फिर पर्टिकुलर कलर इसका बैकग्राउंड रखना चाहते हो, फिर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी की पीसी का कितना परसेंट दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी को हम ज्यादा कर सकते हो, ऑटो हिडन फील पिक्चर्स, कोई पर्टिकुलर पिक्चर है जो कि ऑनलाइन लेना चाहते हैं या फिर कोई फाइल आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ है उसको इसके पीछे का बैकग्राउंड एरिया डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको डाल दिया। इसकी भी अधिक ज्यादा आपको पता नहीं चल रहा है नंबर क्या है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया। और इसकी कलर में ब्लैक कर देता हूं और बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। तो चार्ट एरिया को इस तरह से कर सकते हो, जैसे आपने चार्ट एरिया को फॉर्मेट किया ऐसे ही आपके पास एक प्लॉट एरिया होता है, प्लॉट एरिया को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, और ऐसे आपके पास सीरीज होता है इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग तो हम सीखते रहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। मैं यहां पर लिखता हूं मान लीजिए नेम और यहां पर सेल्स देता हूं। अब चार्ट के अंदर फिल्ट्रेशन का जो पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक मिनट दीजिएगा।
मान लीजिए इस पे हमने एक अपना जो कॉलम चाहते उसे चार्ट बना लिया, चार को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले यहां प्लस का निशान, मतलब इसमें एलिमेंट को ऐड करने के, कि आप एलिमेंट इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। तो एलिमेंट ऐड करने के लिए यहां देखिए कि आप एक्सिस का टाइटल ऐड करना चाहते हो, या लेवल डेटा लेवल ऐड करना चाहते हो। लेवल ऐड करने से देखा ऊपर आपके इसके फिगर आ गए। डेटा टेबल ऐड करना चाहते हैं, नीचे देखिए टेबल आ गया नीचे। एरर बार, लेजेंड, ये आपका ट्रेल लाइन। तो इसमें से क्या आपको ऐड करना है, इसमें डेटा लेवल ऐड कर दिया, डेटा टेबल नहीं डेटा लेवल करता हूं, डेटा लेवल ऐड कर दिया, या डेटा टेबल ही मान लीजिए, डेटा टेबल ही ऐड कर दिया। तो इस तरह से चीजें आप एलिमेंट को ऐड कर सकते। दूसरा जो फिल्टर आता है पार्ट, वो आपकी आती है चार्ट के स्टाइल की। जो स्टाइल ऊपर आपने किया था वही स्टाइल आपको यहां भी मिल रहा है, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर स्टाइल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कोई पर्टिकुलर स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है फिल्टर। चार्ट में आप फिल्टर लगाना चाहते हो कि आप चाहते हो कि पूजा का ना दिखे, तो पूजा नहीं दिखेगा अप्लाई करते ही। आप चाहते हो दिखे तो पूजा आपका दिखेगा अप्लाई करते हैं। ठीक है सर। तो ये फिल्टर, अब ये फिल्टर वाली पार्ट आपको 2013 और 16 में मिलेगा, 2007 में ये पार्ट नहीं है, इसका ध्यान आप रखिएगा। राइट, अब चलिए हम यहाँ पे दो वे चार्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने सेल्स दिया और यहीं पे मैं टारगेट भी दे देता हूं, टारगेट। और मान लीजिए कि टारगेट भी हमारा रैंडम है, मैंने इसको मान लीजिए चार्ट लगा लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि एक को लाइन चार्ट में करना है। मैं चाहता हूं टारगेट मेरा लाइन चार्ट में आना चाहिए, टारगेट मेरा लाइन चार्ट में आना चाहिए। मैं राइट क्लिक किया, मैं लाइन जिसको टारगेट को सिलेक्ट करना है तो टारगेट को मैंने सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया इस पे, और मैंने किया यहां पे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इसको क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए क्या है, कौन सा चार्ट चाहिए, मुझे चाहिए लाइन विथ मार्कर, सिलेक्ट कर लाइन चार्ट आ गया। तो इस तरह से आपके अंदर जो चार्ट्स हैं उन चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात हुई, अगर मैं इससे आगे बढ़ूं चार्ट में, तो ए हमारा ए है, लेकिन मैं इस बार इसको परसेंटेज में डाल देता हूं। ठीक है, इस बार मैं इसको परसेंटेज में डाल देता। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस पे चार्ट बनाया, मैं इस पे सेलेक्ट करके चार्ट बनाया, तो हमारा टारगेट जो दिख रहा है आपको नीचे दिख ही रहा है ना, क्यों?
क्या करें? तो इसको अगर सिलेक्ट यहां से होता है, अब यहां पे सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो क्या करें हम? यहां फॉर्मेट में जाएंगे और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अपना टारगेट और फिर फॉर्मेट सिलेक्शन, फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहां पे हमारे पास सेकेंडरी एक्सेस होता है, हम जिसको लाइन में चाहिए तो राइट क्लिक किया, चेंज चार्ट टाइप, और मैंने इसको टारगेट को लाइन चार्ट कर दिया, हो गया। बट प्रॉब्लम ये है यहां पे सेकेंडरी एक्सेस में क्या हुआ कि ये जो इसका सेल्स है इसका यहां हमारा एक्सेस है और ये जो हमारा टारगेट है इसका यहां ए एक्सिस है, समझ गए, दोनों का एक्सिस है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों या देखिए 80 तक है, ये 45 तक, थोड़ा सा मिसमैच है, तो उस केस में मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा फॉर्मेट एक्सिस में, मिनिमम मैक्सिमम मैं यहां पे 100 कर देता हूं और सेम इसको भी सिलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम जो है हमारा वो 45 है, इसके जगह पे 1 इट मींस 100%, क्योंकि परसेंट में पॉइंट में है इसलिए हमें 100% देना होगा। अब मैच कर रहा है, तो जब दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ के डेटा होंगे और उसको एक ही चार्ट पे आपको शो करना होगा तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर? जी सर। चलिए ये हो गया, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग का। तो मेरे पास मैं यहाँ पे नेम लिखता हूं, मैं बैंक लिखता हूं, बैंक, और यहाँ पे मंथ, अभी IDBI, SBI, SBI, PNB, एक्सिस नहीं, HDFC कर देता हूँ, HDFC कोई भी बैंक से कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं सेल्स डाल देता हूँ, कॉपी, और इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट किया चार्ट, ए चार्ट में थोड़ा सा बीच में तो तीन है, लेकिन हो सकता है आगे चल के 10-15 हो तो दिखने में दिक्कत होगा, तो आपके पास एक और चार्ट है इसके अंदर, उसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट, स्टैक चार्ट। स्टैक चार्ट में क्या है कि रो एंड कॉलम नहीं होता इस तरह से, जैसे कि आपका मंथ है तो मंथ वाइज इसने अपना कॉलम बनाया और जो बैंक थे बैंक के हिसाब से आपको यहां पे दे दिया, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। नहीं, एक कंपेयर नहीं है तो हम इसी कंपेयर में आते हैं। इसमें एक और है 100%, वो देख लीजिए, एक 100%, एक मिनट, सिलेक्शन गड़बड़ हो गई है, इंसर्ट, यहां पे हमारा 100% है। तो 100% क्या कहता है कि एक इससे कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि कितना कंट्रीब्यूशन है भाई, इसका 40% है, इसका IDBI बैंक,
इसका आपका 10% है, तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है आपको। तो कंट्रीब्यूशन देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी तरह से आपका लाइन चार्ट भी इसी तरह से होता है, इस तरह से। अब इसमें हमारा जो अगला इसमें ए चार्ट, एक और चार्ट है आपका 3D कॉलम चार्ट, इसमें इस तरह से क्यू से सारे सारे दिख जाएंगे। ये भी थोड़ा सा हल है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। लेकिन अगर मैं इस्तेमाल जब कर ही रहा हूं तो क्यों ना इस चार्ट को इस्तेमाल कर, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, वो बड़ा करता हूं, बड़ा करने के बाद अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लू लाइन है ये IDBI का है, ये आपका SBI का है, तो मुझे यहां से मैच करने पड़ेंगे कि भाई IDBI ब्लू है तो यहाँ ब्लू है, ये IDBI ब्लू वाला है, तो थोड़ा सा मतलब कि ये हो जाता है ना, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है थोड़ी सी। इसमें क्या करें, एक तरीका यहाँ पे आपके पास है, ऐड डेटा लेवल, आपने डेटा लेवल ऐड किया, नंबर आ गया, इसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल किया, यहाँ पे कैटेगरी नेम नहीं, सीरीज नेम आ गया IDBI, और इसको सेंटर कर देता हूँ, अलाइनमेंट में इसको डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, तो अब इससे बेटर पता चल रहा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार ये उतना नहीं अच्छा है, एक और है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है आपका, तो क्या करेंगे उसके लिए, चलिए हम आपको बताते हैं। हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे इंटरनेट पे, हम इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल यहीं पे मैं, जैसे कि मेरा SBI है, मैंने SBI बैंक लोगो सर्च किया, इमेज पे चले जाएंगे तो और इमेज आ जाएगा हमारे पास, और मैं यहां से अपना अच्छा सा लोगो, यही लोगो, इसी को उठा लेता हूं, हेलो,
यहां पे मैं पेस्ट करूं, क्यों पेस्ट हो गया, यहां से मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, कॉपी लिंक एड्रेस, सॉरी लिंक एड्रेस कॉपी इमेज करना है ना, कॉपी इमेज, और यहां पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर दूंगा एक फॉर्मेट में, कोई भी एक बॉर्डर में डाल दीजिए, चाहे यहीं से बॉर्डर दे दीजिए, पिक्चर बॉर्डर मैं रेड कलर का डाल देता हूं, और रेड कलर का बॉर्डर इसका थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं। फिर इसको मैं रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री के एंगल में, इसमें कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको यहां स्टेट बैंक यहां है, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहां पे मैं फिल पे आता हूं, पिक्चर्स एंड कॉपी किया हुआ है तो क्लिक को ट्रांसपेरेंसी 100% 0%, अब बेटर लग रहा है पहले से, क्या बोलना है सर, ठीक है ना जी, सर जी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलो ब्रांड है तो हम ब्रांड का डाल देंगे, अब किसी के नाम का होगा तो उसका फोटो तो नहीं डालेंगे, यहाँ पे किसका फोटो अवेलेबल नहीं हुआ, सिटी है मान लीजिए, सिटी वाइज है, अब सिटी में उसका मैप थोड़ी डालेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप इंसर्ट में आए और यहां से शेप्स ले लें, कोई भी शेप्स जैसे कि आप जिसको डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पीएनबी बैंक, तो यहाँ पे लिखता हूं पीएनबी बैंक, डालने के बाद अब मैं जाता हूं यहां होम पे, इसको करता हूं सेंटर मिडल, और फिर इसकी साइज को बढ़ा देता हूं। उसके बाद पहले इसको कॉपी कीजिए और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर कीजिए, पेस्ट एज ए पिक्चर करने के बाद फिर इसको यहां फॉर्मेट में जाके इसको रोटेट कीजिए, रोटेट किया, देन देख लीजिए अगर साइड में कोई फालतू अगर स्पेस वगैरह है तो उसको कॉर्प करके काट दीजिए व्हाइट कलर, फिर इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके ऊपर लाइए, देन राइट क्लिक एंड यहां पे हम करते हैं पिक्चर फॉर्मेट डेटा सीरीज, और मैं यहां पे इसको कर देता हूं पिक्चर एंड क्लिपबोर्ड, ठीक है, ये भी अच्छा है, क्या बोलना सर, सपना जी जी सर सही है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे ये रहा कि मुझे पास एक सिर्फ 25% दिया हुआ है, अब सब कहते हैं कि चार्ट के लिए आपके पास डेटा का होना जरूरी है,
बट मेरे पास सिर्फ 25% लिखा हुआ, क्या मैं इसको बना सकता हूं किसमें, चार्ट में? चार्ट बना सकता हूं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा और बाकी एक एग्जांपल आपको देना है, ठीक है? तो मैंने क्या किया यहां पे, जैसे मैं 20% को यहां लिखता हूं, 20% यहां पे 25% है ना, 25% 100% और यहां भी 100% और यहां भी 100% और फिर इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करता हूं और हम चार्ट जो है ये वाला चार्ट लेते हैं। अब देखिए ये दोनों है, ये दोनों है, तो यहां से सेलेक्ट करके इसको रहने दीजिए। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, ये सबको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये वन को भी डिलीट करता हूं। मैं राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट डेटा सीरीज। अब यहां पे आपको ओवरलैप दिख रहा है, मैं ओवरलैप 100% कर देता हूं, कर दिया। अब इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहां देखिए फॉर्मूला है, इसमें टू लिखा हुआ है, इसको वन कर दीजिए, पोजीशन होता है, ठीक है। अब इसको एक तरीका और भी है कि मैं इसको पूरा ग्रे कर दूं, कलर फिल में जाके सॉलिड, और मैं कर देता हूं ग्रे, और जो फिल हो रहा है उसको कर देता हूं ब्लैक, और थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करता हूं और थोड़ा लंबा इसको। अब यहां देखिए 20, 30, 40% ये चीज मैं डिलीट कर सकता हूं, यहां पे सबको इसी में ही रहेगा, दो 30% 50 यहां पे 45% एक तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इससे और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, उसके लिए और ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो हम करेंगे यहां पे डॉट, और यहां से सैप में मान लीजिए मैं इस सैप को लेता हूं और इसको ड्रैग करता हूं, ड्रैग करने के बाद इसका कलर बैकग्राउंड कलर हटा देता हूं और फोरग्राउंड कलर रेड करता हूं और इसका जो विड्थ है उसको मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और इस पे राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और इसके फिल में पिक्चर में इसको क्लिपबोर्ड की जगह पे डाल देते हैं, फिल हो गया। अब इसको वापस फॉर्मेट में आते हैं और मैं इसकी आउटलाइन कलर को नो आउटलाइन कर देता हूं, अब बैकग्राउंड कलर में रेड कर देता हूं, जिससे मैंने यहां पे दिया है ना सेम कलर ये करना है, ध्यान रखिएगा। और फिर हम इसको कॉपी करते हैं, इसमें सेलेक्ट करते हैं और यहां हम पिक्चर में जाते हैं और क्लिपबोर्ड देते हैं, ऐसा क्या हुआ? सही कॉपी हो गया, कॉपी दो कॉपी था सर, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है सर। हाँ सर, ऐसा बड़ा कर दीजिए, बड़ा हो गया। तो यहाँ देखिए एक ग्लास की तरह हो गया ना। हाँ सर, 30, 50, 60। अब इसमें आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक, एड डेटा लेवल,
ये सर क्या है सर? क्या क्या है मतलब? ये ऐड डाटा लेवल सर। ऐड डाटा लेवल? हाँ सर। ये अंदर ये होता है कि जैसे कि ये पर फिगर होता है ना, वो शो करता है जिस वैल्यू से बना हुआ है, वो वैल्यू शो करता है। हाँ सर। तो इस तरह से बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक चार्ट, समझे? हाँ सर। ये डिपेंड करता है आपके और आपके नॉलेज के ऊपर कि आप कितना इसको बना सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे पास सिर्फ एक परसेंटेज था, सिर्फ एक डेटा था, उससे हमने आपके चार्ट बना, ठीक है? इसमें और क्या एग्जांपल? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर बाकी एग्जांपल आपको देना। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि 25 है, मुझे और एक एग्जांपल देना। ठीक है, तो मैं मैंने सिर्फ 25 नंबर दिया हुआ है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे ये देता हूँ तो 100 में से 25 है, प्लस इक्वल 100 माइनस 25, और फिर मैं इसका सम कर देता हूँ इनका, मतलब कि तीनों को मिला के 200 होना चाहिए, समझ गए? हाँ सर। जैसे आप आपका नंबर 1000 तक है तो आप 1000 ले लो, टारगेट होता है 100 टारगेट हो गया आपका। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट किया और चला गया या डे आउट चार्ट पे। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, चार्ट टाइटल है इसको भी डिलीट कर दीजिए। अब इसको मैंने यहाँ इस पे आए और मैं इसका एंगल जो है 270 डिग्री पे रखता हूँ, इसका बन गया। नीचे वाले को मैं सेलेक्ट किया और इसके जो फिल है इसमें नो फिल और नो लाइन, और बाकियों में मैं सिर्फ नो लाइन करता हूँ, समझ गए? अब यहाँ पे 40, 50, 60, समझ गए? हाँ सर। हाँ क्या चीज समझ में आया? क्या जी समझ में आया आपको? हाँ सर। तो आप दोनों इसी से आगे की चीज बना के रहे। सर ये बीबीए का हम फुल नेम सर क्या है सर? अलग चीज है, मैं फुल नेम। सर एक क्वेश्चन था मेरा, अगर आप